नीरेन, आपकी टिप्पणी आप कैसे देख रहे हैं? बहुत क्लोज रेस है, एज है एमबीए को, कितना एज है आज के हिसाब से? देखिए, मैं अगर पिछले चुनाव परिणामों के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो आप देखेंगे महाराष्ट्र एक बड़ा अजीब केस है, पूरे देश से अलग है। अलग ये कार्तिकीय भी शायद मुझे वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि बाकी राज्यों में क्या होता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो वोट मिलते हैं लोकसभा में ज्यादा मिलते हैं और विधानसभा में कम मिलते हैं। इवन गुजरात तक में भी 60% उधर मिल रहा तो इधर 45% मिल रहा है, 15% का डिफरेंस है। दिल्ली में डिफरेंस, मैंने करीब करीब हर जगह पर बीजेपी के वोट कम होते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने चार्ट है, अब बीजेपी का वोट शेयर देखें, 14 में लोकसभा में 27.56 यानी 28%, विधानसभा में वही 28%, 19 में पुलवामा और काफी बालाकोट हो गया फिर भी 28%, विधानसभा में 26%, इस बार फिर 26%, यानी 28 से 26% के बीच में बीजेपी पिछले 10 साल में इधर उधर होती रही। और सिर्फ बीजेपी का मामला नहीं है, कांग्रेस का भी यही मामला है, एनसीपी का यही मामला है। तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं महाराष्ट्र में नहीं हूं, जैसा कि अभी विवेक जी ने कहा कि बहुत ही कमिटेड वोट है वहां, ऐसा नहीं कि एक आपने कुछ तमाशा कर दिया तो वोट में 1-2% अंतर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। असल चीज सिर्फ यह है कि शिवसेना बीजेपी का जो परफॉर्मेंस होगा वो इसी 26-27-28 के आसपास होगा, कांग्रेस का परफॉर्मेंस होगा वो 18-20 के आसपास होगा, एनसीपी का भी मेरे ख्याल से अब शरद पवार को ज्यादा मिलेगा, पहले मुकाबले ज्यादा मिलेंगे क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह जो है लोगों को पहुंच जाएगा। तो पिछली बार अगर उनको 10% मिले तो इस बार 12-13% मिल सकते हैं। लेकिन शिवसेना, तो शिवसेना कितना, उद्धव शिवसेना कितने वोट गैदर करती है और शिंदे शिवसेना, इसके आधार पर नतीजा प्रभावित होगा मुझे ऐसा लगता है। दोनों का पिछली बार टोटल जो है लोकसभा में बड़े हैरत है, ये 29% वोट था जो शिवसेना को आज तक नहीं मिला। माने उद्धव शिवसेना का वोट जो है अगर वो 17% है और शिंदे शिवसेना का 13% है, 29% वोट कभी मिला ही नहीं, बीजेपी तक को 28% ऊपर नहीं मिला। तो ये जो वोट था एक्चुअली दूसरी पार्टियों का था, कांग्रेस का था, मे भी कांग्रेस परफॉर्मेंस हम जानते हैं पूरे देश में इतना अच्छा हुआ। आप देख के हैरत होगी कि 2014 में कांग्रेस को 18% वोट मिले थे महाराष्ट्र में, इस बार उसको 17% वोट मिल रहा है, यानी इंडिया 40-50 सीटों से वो 100 सीट के आसपास आ गई। महाराष्ट्र में भी अच्छा परफॉर्म, लेकिन उसको सीट वोट नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि ज्यादा सीट उन्होंने उद्धव शिवसेना को दी, तो कांग्रेस के वोट जो है उद्धव सेना को मिल गया, उसका परसेंटेज 17 हो गया। इधर बीजेपी का वोट जो है वो शिंदे को मिल गया तो उनका परसेंटेज 13 हो गया। इस चुनाव में एक्चुअली हमको पता चलेगा कि वाकई कौन शिवसेना अच्छा करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 60-40 का रेशियो हो सकता है। अगर शिंदे बहुत खराब करे, पहले ऐसा लग रहा था कि 3-1 का रेशियो होगा, लेकिन शिंदे शिवसेना पिछली बार अच्छा परफॉर्म किया था और उनका मतलब कि बंबई या जहां पर उद्धव शिवसेना का असर है उसके अलावा भी शिंदे शिवसेना का असर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बराबर ही होगा जो है, लेकिन हाँ कहीं से एको आ रहा है जी। मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शिंदे शिवसेना का परफॉर्मेंस ही डिपेंड करेगा उससे कि और उद्धव शिवसेना का कि महाविकास अगाड़ी को कितना परसेंटेज वोट ज्यादा मिलता है। एक चीज आप यहाँ पोल में देखिए, इसमें 3% का मार्जिन ऑफ एरर दिखाया है, लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो महाविकास अगाड़ी के बेस्ट केस सिनेरियो में 44% मिलते हैं, यानी वही जो लोकसभा मिले हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में 41% मिलते हैं, यानी 3% घटते हैं, लेकिन महायुति का वर्स्ट केस सिनेरियो 38% है, यानी युति का 6% घट सकते हैं आज की तारीख में। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों संगठन जो है, दोनों गठबंधन है, कुछ कुछ वोट लूज करेंगे लोकल पार्टियों के लिए। और यहां पर अंतिम जो एक महीना में जो 5% वोटर होगा, मे बी मैंने कहा 95% इज कमिटेड वोटर, वो 10 साल से उसी को वोट देता है, लगता है परिवार का कुछ है कि पारिवारिक तरीके से, मैं एनसीपी को दे तो एनसीपी को ही दूंगा, मैं कांग्रेस को दे तो कांग्रेस को दूंगा, बीजेपी को दे, ऐसा कुछ लग रहा है 10 साल से। तो उसमें कुछ जो 5% वोटर होगा वही डिसाइड करेगा कि कहां जाना है। अभी ये लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी को निश्चित एज है, 10 से 15 सीट, 20 सीट, 25 सीट ज्यादा होगी, लेकिन वही मैंने कहा अंतिम 15 दिन में, जैसे कि अभी लोकसभा में हुआ, शुरू में लग रहा था कि मोदी जी जीत रहे हैं, अंतिम में स्थितियां बदल गई, कौन सा नैरेटिव चलता है उस समय। अभी शिवाजी की मूर्ति गिर गई, उसका भी नुकसान हो सकता है। यही शिवाजी की मूर्ति अगर इलेक्शन के दिन गिरती तो पता नहीं क्या होता, तो हो सकता है ये जो 120-130 दे रही महायुति को वो 100 सीट हो जाती। जैसे बंगाल में क्या हुआ, विद्यासागर, बंगाल में बीजेपी ने लास्ट चुनाव में 2019 बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कलकत्ता में जब चुनाव होने वाले थे उससे 2 दिन पहले
विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ दिया बीजेपी के जो गुंडे हैं या जिस तरह के लोग हैं जो बिहार वगैरह से आए थे, इनको पता नहीं था विद्यासागर कौन है, वो विद्यासागर कॉलेज गए, मूर्ति तोड़ दी। उसका असर ये हुआ कि कलकत्ता की सारी चीजें आ गई बीजेपी। तो इसीलिए कुछ चीजें जो है अंतिम मोमेंट पर डिसाइड होती है, उसके आधार पर फासला घटबड़ सकता है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी को निश्चित रूप से हर स्थिति से, मतलब जो मैं देख रहा हूँ पैटर्न देख रहा हूँ, उसको एज है, अच्छा एज है।